हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित स्वर्ण। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ मैं उठा रही हूँ कलश नए घर के लिए, और बहुत सारे लोग ये देखना चाहते थे कि नया घर कौन सा है। और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग मिलके वॉइस ओवर देंगे, मैं और लड्डू के पापा, क्योंकि अब वो भी मेरे पार्टनर बन रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक में। लेकिन उनका तबीयत ख़राब हो गया तो वॉइस ओवर देने के लिए सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कलश उठा ली थी, हालांकि बहुत ज़्यादा डिलेमा में वीडियो बनाते हुए हम लोगों ने ऐसा हो रहा था कि वीडियो ना भी बनाओ बनाओ भी, बिकॉज सब लोग सब लोग तो कंफर्टेबल थे, बट जो जो कंफर्टेबल नहीं थे वो भी आ रहे थे वीडियो में। अब ऐसा नहीं हो सकता ना, एक जन को कट कर दो, एक जन को ले लो। तो यहाँ लड्डू भी डांस वांस कर रहा था, पूरा इन्जॉयमेंट तो फुल हुआ। और ये जो हैं जिनसे मैं बात कर रही हूँ, हमारी एक तरीके से भतीजी लगेंगी, मतलब मेरे जेठ जी की बेटी हैं। और पीछे जो मेरे भैया हैं वो मेरे अपने भैया यानी कि लड्डू के बड़े पापा हैं, जो मतलब मेरे हस्बैंड के अपने रियल ब्रदर हैं। और सब लोग गृह प्रवेश में आए थे पिछली बार मेरे घर से, मतलब मेरे पापा जी, मेरी जेठानी, मेरी ननद लोग, तो भैया बस नहीं आए थे। तो इस बार भैया भी आ गए थे ताकि घर वगैरह देख लेंगे, और थोड़ा बहुत आना जाना रहना भी चाहिए क्योंकि उन लोगों को भी इस तरीके से अच्छा लगता है। अभी ये है, जब हम लोग ऐसे नौतन में रहते हैं ना, तो हम लोग तो जेठ जी के सामने, मतलब जेठ से उतना नहीं बात करते हैं, कि उतना बातचीत नहीं होती है, बॉडी नहीं टच करते हैं। यहाँ पर भी हम लोगों ने ऑब्वियसली कोशिश किया है कि नहीं टच हो, और नहीं होता है। तो वो अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तुम बहुत पुराने ख्यालात में जीती हो, लेकिन ऐसा होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें होती है जो आपको फॉलो करनी चाहिए भी, क्योंकि मैंने भी ये रियलाइज़ किया है। और यहाँ पे जो मेरे साथ जा रही है वो मेरी ननद है, तो आप लोग बताइएगा आप लोगों के साइड ऐसा होता है क्या। मैंने कई कई जगह तो ऐसा देखा है कि बहुत ज़्यादा ही जेठ से पर्दे में होता है, मतलब घूंघट। हालांकि हमारे वहाँ भी है कि उतना नहीं फेस दिखाना चाहिए, आमने सामने नहीं आना चाहिए। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कौन से घर का गृह प्रवेश है, जो घर की घर का गृह प्रवेश है। मेरा घर तो चला गया पीछे, और यहाँ पे जो हाउस है यहाँ पर गृह प्रवेश था। और बहुत सारे लोग बोलते दी आपने होम टूर नहीं कराया, घर नहीं दिखाया। लड्डू के पापा भागते हुए गए आगे, क्योंकि उनको शायद फिश लानी थी, और क्योंकि जो गाय लानी थी और फिश लानी थी, तो हम लोगों ने मतलब देखा था, और फिश जो था एक्चुअली जिंदा फिश देख करके हम लोग एंट्री करते। यहाँ पे चाची जो है डांस कर रही थी, लड्डू डांस कर रहा था, सब लोग यहाँ पे डांस कर रहे थे। और भैया यहाँ पे मेरे जो है वो पैसा डाल रहे थे, ढोल वाले को पैसा बांट रहे थे। बाद में हमको भी पैसा दिए लोग कि पूजा पाठ में जो भी है तुम दे देना। सब लोग पूरा एकदम मस्ती में डांस करते हुए झूमते। आप लोगों को मैं बोलूँगी कि यार सॉरी, वीडियोस थोड़े लेट हुए। वीडियोस क्यों लेट हुए लड्डू के पापा? वीडियो लेट इसलिए हुए कि घर से सब लोग आए थे, तो घर से सब लोग आए हुए थे, और वीडियो एडिट करने के लिए समझ में नहीं आ रहा था क्या कैसे एडिट करना है। और लड्डू के पापा सब लोग को होस्ट करने में बिजी थे, क्योंकि सब अपने ही थे, तो ऐसा ना। और पहली बार सब लोग इतने दूर से आए थे। हम लोग जब डांस कर रहे थे तो यहाँ देखे कि ये आंटी सामने से हम लोग को देख रही थी, तो मैं गई, और ये भोजपुरी बोलती है, तो हम लोग भी कंफर्टेबल होते हैं कि इनको अच्छा लगता है कि चलो हमारे जान पहचान का कोई तो मिल गया। तो ये है भावे, ये हाय बोल रहा है, और यहाँ पे मैं उनको पकड़ के ला रही थी कि चलिए देखने, चलिए मतलब कि आप भी इंजॉय कीजिए, और पूजा अब स्टार्ट होने वाला। तो वो बोले कि नहीं नहीं ये डांस वंस हो जाएगा, उसके बाद हम आ रहे हैं फटाफट से। सब लोग बोले थे 11 बजे ही तैयार रहना, लेकिन हमको लगा कि मतलब यहाँ से कलश उठा के जाएंगे, लेकिन आप लोग बीच में से मतलब मंदिर से डायरेक्टली आ गए, तो इसीलिए मैंने बोला कि ऐसे हो गया था कि गाड़ी आई थी और हम लोग चले गए। तो यहाँ पे मैं डांस करती चाची जी के साथ, सब लोग पूरा इंजॉय किए, और मेन टाइम पे लड्डू के पापा गायब हो जाते। आप कहाँ चले गए थे? मैं गया था फिश लाने के लिए, ये गए थे। धूप इतनी कड़क थी कि सबका हालत ख़राब था, और घर में जब तक फिश नहीं देखते तब तक घर में एंट्री नहीं करते हैं। और मेरे साथ ये हुआ था, फिश यानी जिंदा फिश हम लोग में शुभ मानते हैं। बहुत जगह पर तो शादियों में, जैसे हम लोग की तरफ भी शादी होती है, तो मेरे घर में भी फिश दिखाया जाता है, जिंदा फिश, लेकिन हम नहीं देखे थे जिंदा फिश। तो यहाँ पे मेरे साथ एक और सीन हो गया था कि जैसे ही हम लोग निकले ना, मेरा चप्पल का वो हुक निकल गया था। और मेरे साथ आजकल इतना ही हो रहा है ना कि बार बार वो हुक निकल जाता है, मतलब कि टूट जा रहे हैं। तो मेरा पैर इतना जला, क्योंकि इतनी तेज़ धूप, आजकल बैंगलोर का मौसम ना मतलब
आप लोग कमेंट कीजिएगा जो भी बैंगलोर से है, अजीब से चेंज हो गया एकदम ड्रास्टिकली। तो अभी लड्डू के पापा भी वॉइस ओवर दे रहे हैं, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा उनका जो है ना एक्चुअली थोड़ा बहुत फीवर वीवर हो गया। उसके बाद से सारा नाच गाना होने के बाद सब लोग झूम झाम करके चले गए यहाँ पे, आशीर्वाद ले रहे थे क्योंकि उसके बाद तुरंत हुआ लक्ष्मी पूजा, और वो थी हमारे घर की, मतलब कि बेटियों को मानते हैं तो सबकी बेटियाँ होती है, लेकिन ये जो है वो थोड़ी सेंसिबल है तो इनको बैठा दिया गया क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है आधे घंटे, तो ये बैठ पाई वहाँ पे। और जो साइड में वो हमारे हैं भगीना, तो छोटे हैं तो इनको बैठाया गया कि ये भी थोड़ा समझदार है, इनसे भी छोटे एक हैं लेकिन वो बैठते ही नहीं, 3-4 साल के हैं वो, तो इसीलिए इनको बैठा दिया गया। और ये भी आराम से बैठे और हम लोगों ने पैसे दे दे करके प्रणाम किया। और जो मतलब यहाँ पे ना और एक मेरे भगीना थे जो कि अपने मतलब मम्मी के लिए वीडियो शूट करते, तो उनको भी मैंने दिया, यहाँ पे मैंने भी दिया और प्रणाम किया सबको, क्योंकि कोई भी पूजा होता है लक्ष्मी जी को देते ही हैं। और भगीना बोलते हैं कितने ब्राह्मण के बराबर, बोला जाता है 10 ब्राह्मण के बराबर भांजे होते हैं, और भांजे का पैर छूना चाहिए क्योंकि घर में तरक्की खाती है। अब भांजा हो या भांजी हो, मतलब कि भगीना भगिनी से कभी मामा लोग को पैर नहीं छुआना चाहिए। तो यहाँ मैंने भी बोला कि खूब भर भर के आशीर्वाद दीजिए। और यहाँ पे चाची जी ढोलक वोलक सब घर से लेके आई थी, तो बजा रही थी गाना पूजा होने के पहले, और हम लोग भी पूरा इंजॉय किए। और पूजा जो है ना बहुत ही अच्छे से विधिवत पूजा हुआ और बहुत अच्छा भी लगा पूजा में। और यहाँ पे टाइम हो चुका था आरती का, तो सब लोग मतलब कि हवन देने के बाद आरती वगैरह किए और पूजा को किए समापन। तो यहाँ पे मैं और लड्डू के पापा आरती कर रहे हैं, और मतलब अच्छा लगता है जब भी पूजा पाठ होता है। पता नहीं आप लोग कमेंट कीजिएगा किस किस के साथ ऐसा होता है कि जब कोई पूजा पाठ हो तो रोना टाइप आ जाता है। यहाँ पे चाची चाचा जी, फिर ये मेरी जेठानी जी हैं, और भैया लोग आए नहीं थे, बस भाभी लोग आई थी, और लड्डू के पापा यहाँ पे पूरा भजन हो रहा था तो उसमें हम लोग लीन थे। नेक्स्ट टाइम करता है पब्लिक को राजीव कुछ बाबा तुम्हें।